अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बार फिर हाजिर हैं यूनिट नंबर 5 लतीफाबाद नज सार्जेंट होटल जायका रेस्टोरेंट पे। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहली बात तो ये कि जायका रेस्टोरेंट यहाँ पर जो है मशहूर ज़माना है, और लतीफाबाद के एरिया में अगर कोई रेस्टोरेंट है जहाँ खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं तो वो जायका ही रेस्टोरेंट है। और जब ये शिफ्टिंग हुई थी तो हम लोग इसी बात पे वो हो रहे थे, यार ऐसा तो नहीं कि इस एरिए से चले जाएँगे, लेकिन माशाल्लाह दूसरी जगह आके इन लोगों ने जो है, एक तो फास्ट फूड का तो माशाल्लाह बची मेरी आती इसी वजह से कि फ़्राइज़ वगैरह और जिंगर वगैरह लेट नाइट में भी जो है हमें उसे लेके जाते हैं, और पिज़्ज़ा जो है ख़ास तौर पे इन्होंने जो स्टार्ट किया है तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छा मतलब जा रहा है और बहुत इकोनॉमिकली रेट्स हैं, और माशाल्लाह यहाँ की पब्लिक के हिसाब से जो है ना मैं समझता हूँ कि बेहतरीन रेस्टोरेंट है हलीम वगैरह। और माशाल्लाह मेरे घर पर भी कहीं भी कोई भी ऐसी तकलीफ आती है तो उसके अंदर भी मैं यहीं पर ही यहीं से चीज़ करवाता हूँ। मेरी बेटी बताएगी कि यहाँ के प्राइस कितने अच्छे होते हैं, यमी होते हैं, यमी होते हैं, यमी होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने घर से ही मंगवा रहा हूँ, किसी टाइमिंग में 2-3 बजे मैं ऑर्डर करता हूँ तो माशाल्लाह इनके राइडर जो है ये चीज़ें ला के देते हैं। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ साफ़ सुथरी है, और माशाल्लाह अल्लाह ताला इनका सेटअप बहुत अच्छा चला है और इसी तरह से ही चलते रहे। बहुत मेरा नाम शहजाद है, मैं लतीफाबाद 5 नंबर में रहता हूँ, और हमारे को रियायत से मिलता ही है। जायका सर्विस कब तक प्रोवाइड होती है, कब तक मिलता है? तकरीबन 5 बजे तक मिलता है, सुबह 4-5 बजे तक। चला ठीक जी जी जी। आप ना ये बताएं कि यार रात को आप कब तक कंज्यूमर आते हैं, और ये आपका जो ब्रोस्ट बना रहे हैं आप, फ्राइज बना रहे हैं, ये कब तक प्रोवाइड करते हैं, और ये ऑयल इतना म्यारे ऑयल है, कॉस्टली है, क्या कहते हैं कि ग्राहक यही मांगते हैं? जी यही मांगते हैं। क्या आप इसमें स्पेशल आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है बताएं हमें? स्टिंगर है, रोल है, कलब सैंडविच है हमारा, और अपना पिज़्ज़ा है, हर चीज़ है बाकी। चलते जो कि ऑनर हैं हमारे जायका रेस्टोरेंट, जायका फास्ट फूड के जो ऑनर हैं नदीम भाई, उनसे इस जितने भी इनकी प्रोडक्ट है तकरीबन 100 से ज़्यादा इनकी प्रोडक्ट है और जो यहाँ के लोग पसंद करते हैं, पूछते हैं कि कितने प्राइस हैं, क्या रीज़नेबल प्राइस हैं, या क्या बात है जो लोगों की इतनी बड़ी तादाद आती है और रात को यहाँ से लेके जाते हैं, दूर दराज इलाकों से आते हैं, उसके बारे में मालूम करते हैं नदीम भाई से। सामान बताइएगा कि जो आपके जो पिज़्ज़े का प्राइस है, या आपके ब्रोस्ट हैं, जिंगर हैं, प्राइस है, उसके क्या प्राइस हैं, लोग बताइए हमारे भाई। हमारे इस वक्त प्राइस जो चल रहे हैं बहुत मुनासिब रेट हैं। हमारा पिज़्ज़े का रेट 150 रुपये स्मॉल है, मीडियम 350 का रखा है, लार्ज हमने 550 रुपये का रखा है। हमारे असल में ज़्यादातर जो हमारी क्वालिटी है वो नंबर एक होती है, हमारे मसाले नंबर एक होते हैं, हमारी माशाल्लाह कलेजी बहुत चलती है, उसमें कीमा है, फ्राई में चिकन कढ़ाई बहुत चलती है। दूसरे हमारे ब्रोस्ट लोग बहुत पसंद करते हैं, सिंगर पसंद करते हैं। आज से हमने जो है पिज़्ज़े का अफ्तिज़ा किया है, माशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से, और इससे इंशाल्लाह हम उसमें भी कामयाबी हासिल करेंगे। माशाल्लाह हमने पिज़्ज़े के भी बहुत अच्छे फ्लेवर रखे हैं, इसमें हमने पास्ता भी रखा है, ये सब चीज़ें हैं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।